जनार्दन को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय विधायक जी, शैलेंद्र दो मिनट रुको। भारत माता की जय। आवाज आ रही लेकिन कम आ रही, जोर से बोलिए भाई। ऐसी आवाज आनी चाहिए कि जैसे अभी पर्यटन अधिकारी जी ने कहा ना कि अभी कुछ कमी है, ये कमी कब दूर होगी, आवाज निकलेगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि ये कार्यक्रम लगातार 3 वर्षों से चल रहा है। भंडारी जी ने पूर्व में भी मुझे आदेश किया था लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं आ सका, लेकिन बहुत ईमानदारी से कहूं 2017 में जब हमारी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तत्कालीन आदरणीय श्री त्रिविंदर सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने निर्णय लिया वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन, तो हम दोनों भाइयों ने, क्योंकि रुद्रप्रयाग का जो हिस्सा है वो बहुत करीबी हिस्सा है हमारा, क्योंकि रुद्रप्रयाग का और घनशाली विधानसभा का बहुत छोटे भाई और बड़े भाई का नाता रहा, क्योंकि हम कई वर्षों तक जखोनी हमारा विकास खंड हुआ करता था और हमारा सारे कार्यक्रम यहीं से होते थे, क्योंकि विकास खंड ही हमारा यहाँ था। जब हमारा विकास खंड होगा तो हमारे गांव के विकास की कुंजी जखोली में थी, तो रुद्रप्रयाग से हमारा बहुत निजी लगाव रहा। तो हम दोनों भाई ने मिलकर बात करी और हमने कहा कि चिरबिटिया से सुंदर स्थान कोई हो दे सकता, और हमारा सपना भी है, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहूँगा, हम संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम एक विजन के साथ काम करते हैं, हम दिखावा नहीं करते, हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। अभी कुछ बहुत सारे विषय इस पर चर्चा हुई, अभी मेरी भंडारी जी से बात हो रही थी, भूपेंद्र भाई जी से, मैंने कहा माननीय विधायक